नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। अभी अभी मॉर्निंग शिफ्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट 9 से 12 उसके बाद टाइपिंग का पेपर समाप्त हो गया है। हालांकि हमने एनालिसिस भी करवा दी है और सारे मेन मेन चीज़ बता दी है, लेकिन फिर भी आप लोग का डिमांड था कि सर एक 5 मिनट की वीडियो बना दीजिए जिसमें ये बता दिया जाए कि किसने किस संभाग से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पैटर्न क्या है और टाइपिंग में जो मेन मेन मुद्दे हैं वो बता दिया जाए। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, 5 मिनट में हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूंगा जो पेपर का लेवल है, ठीक है ना, जो लेवल है वो इजी है, इजी टू मॉडरेट हम बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट है। ये किस पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये AHCRO की बात कर रहे हैं, 10 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 9 से जो 12 का शिफ्ट था इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो टाइपिंग है, टाइपिंग भी इजी है, टाइपिंग की बात हम लोग बात करेंगे। लेवल इजी टू मॉडरेट है, एक बात समझिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अचंभित वाली बात यह है कि इसने पैटर्न चेंज कर दिया है, जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इंग्लिश में जो 50 क्वेश्चन होते थे वो कितने हो गए हैं, इंग्लिश में केवल 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। और बाकी जो बचे वो सब में क्या कीजिए, पेपर बैलेंस्ड आ रहा है, मतलब बाकी सारी टॉपिक जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले ही वीडियो में कि NTA जब भी पेपर बनाता है, क्योंकि NTA बना रहा है तो पेपर बहुत ही बैलेंस्ड बनाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है टॉपिक को। से एक चेंज और है कि यहाँ पे सेक्शन वाइज आपका आ रहा है। सेक्शन वाइज क्यों आ रहा है ये आपको मैं अभी बताता हूँ, उससे पहले देख लीजिए। सेक्शन वाइज में सबसे पहले आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा। रीजनिंग के सेक्शन में टोटल जो आपके हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कौन कौन सा है रीजनिंग में, आपको मैं ओरली बोल दे रहा हूँ या लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ज़्यादा हो जाएगा। ऑड वन आउट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा बेटिकल सीरीज, सीरीज के 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। नॉन वर्बल से कुछ नहीं पूछ रहा है, मिरर इमेज वाटर इमेज कुछ नहीं पूछ रहा है। तो रीजनिंग के भी आसान आसान सिलॉक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग सारे वर्बल जो रीजनिंग है, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है, उन सबसे हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत बैलेंस टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा किया है। रीजनिंग के बाद आपका कंप्यूटर आ रहा है, रीजनिंग आसान आ रही है, वहीं पे कंप्यूटर थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, लेकिन जो आशीष सर ने आपको पढ़ाया है सब कुछ वहीं से आ रहा है। 22 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आ रहे हैं, उसके बाद आपका इंग्लिश का भाग आ रहा है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपका हिंदी का टॉपिक आ रहा है सेक्शन, इसके भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद आपका जो सेक्शन आ रहा है वो पॉलिटी का आ रहा है, ठीक है ना। इसके आपके आ रहे हैं 18 क्वेश्चन, पॉलिटी के लगभग आ रहे हैं 18 क्वेश्चन। आप समझिएगा कि ये जो सेक्शन मैंने इतना डिस्ट्रीब्यूट किया है 3, 2, 5, ये सेक्शन वाइज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इवेल्युएशन का मेथड होगा, रिजल्ट में जब रिजल्ट आएगा तो इवेल्युएशन जो करेंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन जब लगाएंगे तो उसमें इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाएंगे। इक्वी परसेंटाइल मेथड में क्या होता है कि अगर कोई दो कोई भी शिफ्ट आसान हो या टफ हो, परसेंटाइल सबकी अलग अलग निकाल ली जाती है, फिर मर्ज कर दी जाती है, फिर उस सबसे सॉर्ट कर लिया जाता है। ऐसे में क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक ही स्कोर पे कई सारे बच्चे हो जाते हैं, तो अगर टू स्टूडेंट के नंबर सेम है, अगर टू स्टूडेंट के नंबर सेम है तो यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल लगेगा। टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, NTA के आधार पे जिसका रीजनिंग में सबसे, अगर दो बच्चे का स्कोर बराबर है तो उन दोनों में से जो रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर रीजनिंग में भी बराबर है तो जिसका कंप्यूटर में होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे ही अगर कंप्यूटर में भी बराबर हो गया तो इंग्लिश में जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर तीनों में बराबर है तो जिसका हिंदी में ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। चारों में बराबर है तो जिसका पॉलिटी में ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये प्रायोरिटी वाइज ऐसे है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे सब सेशन है, सब 14 नहीं, इसके बाद एक साइंस है, साइंस मेजर रोल कर रहा है यहाँ पे। साइंस के जो क्वेश्चन है वो करीबन 17 क्वेश्चन है, साइंस के 17 क्वेश्चन है, और बाकी जितने टॉपिक हैं, जैसे उसने इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो टॉपिक है उससे 14 दे दिए हैं। ऐसे ही एंशियंट प्लस मिडिवल, जिसे हिस्ट्री उसने बोला है, एंशियंट प्लस मिडिवल जिसे हिस्ट्री बोला है उसको 14 दे दिया है। ज्योग्राफी के भी 14 क्वेश्चन है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के भी आपके 14 क्वेश्चन है, ठीक ऐसे आपका करंट के भी 14 क्वेश्चन है, ठीक ऐसे यूपी का आपका 14 क्वेश्चन है, और ठीक ऐसे ही
हाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक ऐसे ही यहाँ पे यूपी के बाद ठीक एग्रीकल्चर दे दिया है, एग्रीकल्चर, और कायदे से एग्रीकल्चर में भी 14 है, लेकिन एग्रीकल्चर में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स जो चैप्टर था एग्रीकल्चर था, और जो मिसलिनियस था ये पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन, सब मिला के टोटल 14 है, वो आपका मिसलिनियस टॉपिक एग्रीकल्चर वाला दे दिया। तो ऐसा आपका पैटर्न आ रहा है, ये आपका किसका है, ये आपका रिटन का है। मैं साइड में आपको टाइपिंग का भी बता दे रहा हूँ, ध्यान में देते चलिए। टाइपिंग जो है, टाइपिंग ध्यान दे लीजिए, कुछ बिंदु का टाइपिंग बेहद इजी आ रही है, ठीक है ना। पैराग्राफ जो आ रहा है वो जजमेंट ही आ रहा है, जजमेंट ही आ रहा है, लेकिन बहुत सिंपल आ रहा है, बहुत सिंपल आ रहा है, कोई भी फॉर्मेट नहीं आ रहा है, फॉर्मेट की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल्ड इटैलिक ऐसा कुछ नहीं है, अंडरलाइन है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो पैराग्राफ आ रहा है वो लगभग 550 वर्ड का आ रहा है, आपको पता है कि मिनिमम 500 वर्ड तो आपको टाइप करना ही करना है ताकि 25 की आपकी स्पीड गिरे, 20 मिनट में आपको टाइप करना है, 15 मिनट का यहां से यहां तक के बीच में 15 मिनट का गैप दिया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो आपकी स्क्रीन आ रही है वो स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन आ रही है, यहां पे आपका कंटेंट दिया जा रहा है ऊपर के स्क्रीन पे, यहां पे आपको टाइप करना है, ठीक है ना, यहां पे आपको टाइप करना है। तीसरी बात ये है कि इतना करने के बाद आप समझो आपको खुद स्क्रॉल करना पड़ रहा है, जो स्क्रॉल है वो मैनुअल है, ठीक है ना, स्क्रॉल जो है वो मैनुअल है, वर्ड हाईलाइटेड नहीं है, वर्ड जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। वर्ड हाईलाइटेड कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग टाइप करते रहते हो, जब किसी सॉफ्टवेयर पे घर पे प्रैक्टिस करते हो, तो जितने वर्ड आप टाइप करते जाते हो उतना आपका ग्रीन होता जाता है, अगर कोई वर्ड गलत हुआ तो वो रेड हो जाता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये भैया निगेटिव है, बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें नो निगेटिव दिया है, ये वाला सेक्शन नो निगेटिव है लेकिन टाइपिंग निगेटिव है। अगर आपकी एक गलती होती है तो 0.1 नंबर कटेगा, 10 गलती होती है तो एक नंबर कटेगा, 50 गलती होती है तो 5 नंबर कटेगा, 500 के 500 गलती करते हो तो 50 के 50 नंबर कट जाएंगे, आप क्या हो जाओगे वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब अगर 25 अंक से ज्यादा हुए, 25 अंक से कम हुए नंबर, 25 अंक से कम नंबर मतलब अगर 250 से ज्यादा गलती कर दिए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 500 वर्ड से कम टाइप किए तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और स्टेज टू में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो स्टेज वन में किसी का मतलब नहीं है, कॉपी चेक आपकी नहीं होगी, जो आपका रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल मेथड पे आएगा, जब इसमें पास होगे तभी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। वर्ड हाईलाइटेड नहीं है, गलती आपको पता नहीं लगेगी, और आपको ये भी, हालांकि ये पता लगता रहेगा कि आपने कितना टाइप कर लिया है, उसके लिए आपका एक स्टेटस प्रोग्रेस बार, क्या बोलेंगे, एक प्रोग्रेस बार ऊपर चलता रहेगा। प्रोग्रेस बार का मतलब क्या है मैं समझाता हूं, प्रोग्रेस बार की यहाँ पे सिस्टम दिए, जैसे यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे आपका टाइपिंग है, तो आप जितना कंटेंट आप टाइप करते चले जाओगे उसका प्रोग्रेस आपका बार ऐसे बढ़ता चला जाएगा। सपोज करो आप 60% कर लिए तो यहाँ पे ऐसे 60% लिख देगा, ये जितना होगा इतना वर्ड बता देगा, प्रोग्रेस बार ऊपर चलता चला जाएगा, बात समझ में। तो ये प्रोग्रेस बार से आपको पता चलेगा आपने कितना टाइप कर लिया, उससे आप समय का अंदाजा लगा सकते हो कि इतने समय में हमें कितना और अभी टाइप करना है। आराम से टाइप करिएगा, समय बहुत है, गलती मत करिएगा क्योंकि एक्यूरेसी पता नहीं लग रही है, ज्यादा गलती होगी तो भी बाहर हो जाओगे। ये पैटर्न है, क्वेश्चन अभी पता नहीं लग पा रहा है कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 200 क्वेश्चन, उसके बाद टाइपिंग, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से भी घर पे ही नहीं पहुंच पा रहे, रास्ते में है, 12:45 पे ही पेपर छूटा था, तो इसलिए परेशान होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप जुड़ जाइए, परीक्षा प्लस, परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिख दे रहा हूं, परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पे जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो पहुंचा देंगे, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड या आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो हम दे देंगे टेलीग्राम पे, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके अलावा हम लोग आपको फ्री मॉक करा देंगे, फ्री मॉक करा देंगे एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट पैटर्न और एकदम लेटेस्ट इंटरफेस पे, ये आपका फ्री हो जाएगा, परीक्षा प्लस ऐप पे होगा, तो इसके जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ये हम एक या दो हम लोग करा देंगे आपको, समझ के आज शाम या कल भी आपका हो जाएगा, रात को 8 PM से मैराथन करा देंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, 200 क्वेश्चन का, 3 घंटे का,
200 क्वेश्चन 3 आवर का एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, ये भी आज मैराथन हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, इसलिए आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पुश कर लो, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कंटेंट जो फ्री कंटेंट है पेपर बहुत इजी आ रहा है, तो हम ऐसा कंटेंट दे देंगे कि केवल वही पढ़ लो, रामबाण है ना, रामबाण सीरीज आपको दे देंगे आज ही। ये रामबाण केवल आप कर लोगे तो जीएस में 90% क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, अगर आप वो पीडीएफ अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये सब कुछ आपको परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप जुड़ सकते हो। चलिए हम लोग अन्य शिफ्ट की भी एनालिसिस बताते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।